सभी सज्जनों से प्रार्थना है कि समभाव समदृष्टि अपनाओ। सांसारिक सुखों की चाना राग है जो कष्ट और पीड़ा दिखाई। राग का मूल अविद्या है बड़ी नाम कलेश कहाई। सजन जी परी नाम कलेश कहाई। द्वैत तो भ्रम जाल है जीव को माया में फसाई। जीव ब्रह्म जो एक है उनको भी दो बताए। सजन जी उनको भी दो बताए। द्वेष को छोड़ कर वैर विरोध मिटाओ। हर सदस्य परिवार का मिल कर एक हो जाओ। सजन जी मिल कर एक हो जाओ। काम क्रोध से शत्रु है तन मन में आग लगाई। आप चले और साथ में औरों को भी जलाए। सजन जी औरों को भी जलाए। आशा तृष्णा है काली सर्पणी अंग अंग में जहर फैलाई। इसके चंगुल में जो फंसे जीते जी मर जाए। सजन जी जीते जी मर जाए। अहंकार ऐसा दोष है जो मैं की पूजा करवाई।
चिंता चिता समान है चिंतन पर घात लगाई, हर पुरुषार्थ मनुष्य का आलस में ये फसाई, सजन जी आलस में ये फसाई। धर्म पे चलने वाला सदा पाप कर्म कमाई, जीवन लक्ष्य पाने की जगह सीधा नरक में जाए, सजन जी सीधा नरक में जाए। जन्म मरण तो बचना चाहो, वासनानु परे हटाओ, एक को रूप पहचान लो, असलियत स्वरूप नु पाओ, सजन जी असलियत स्वरूप नु पाओ। द्वी भाव को छोड़ कर संभाव अपनाओ, मन वचन से एक हो, अच्छी मानव बन जाओ, सजन जी अच्छी मानव बन जाओ, अच्छी मानव बन जाओ, अच्छी मानव बन जाओ।
सतयुग की सजनी कहाओ, सतयुग की सजनी कहाओ। सबसे पहले हमें समझना है कि भाव का अर्थ क्या है और इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है। मन में उत्पन्न होने वाले किसी विचार या प्रवृत्ति को भाव कहते हैं। भाव वह पदार्थ है जो अपने स्वभाव अनुरूप जन्म लेता हो, रहता हो, बढ़ता हो, परिणामशील हो तथा नष्ट रहता हो। भावों की उत्पत्ति का कारण अंतः व बाह्य दृश्य जगत है। सृष्टि चक्र के गतिमान होने के कारण अंतः व बाह्य दृश्य जगत में परिवर्तन का गुण विद्यमान है। इस अंतः व बाह्य दृश्य जगत में नित नवीनता भी है, जिसके कारण अंदरूनी व बहरूनी दृश्य भांति भांति के रंग रूपों में भिन्न भिन्न गुण अवगुणों के साथ अनेकानेक भावों के रूप में उजागर होते रहते हैं और पल पल बदलते रहते हैं। भाव हृदय में रहते हैं व हृदय तल से उठते हैं। संकेतों के रूप में उनका दृश्यांकन अंतःकरण रूपी अंतःपटल पर होता है। ये दो तरह के होते हैं, शुद्ध व अशुद्ध। इसीलिए तो कहते हैं कि भाव मनुष्य की बुद्धि के धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान आदि का सूचक है और परिणाम ही भाव की अंतिम परिणति है, जिसके अनुसार कर्म जीव को बांधता है। इस परिणति के कारण ही सृष्टि चक्र चलायमान है एवं विभिन्न योनियों में चराचर जीवों के आवागमन की प्रक्रिया चल रही है। याद रखो, भाव से भावना, भावना से संकल्प यानी निश्चित मत एवं विचार, निश्चित मत एवं विचार से करनी, करनी से स्वभाव, स्वभाव से चरित्र, चरित्र से ही प्रारब्ध बनता है। भावों का यह रूपांतरण भाव विशेष के प्रति व्यक्तिगत संवेगों के बल पर निर्भर करता है। इन व्यक्तिगत संवेगों की भिन्नता के आधार पर हुए रूपांतरण के कारण ही प्रत्येक मनुष्य का भाग्य एक दूसरे से भिन्न निर्धारित होता है। आओ अब हम भावों की विशेषताएं, प्रकार, प्रभाव व परिणाम को समझें। भाव चित्त वृत्ति है जो अतीत की स्मृतियों व संस्कारों, भविष्य की कल्पनाओं, वर्तमान में घटित होने वाली घटनाओं व परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होने वाले संवेदों के उद्दीपन पर निर्भर करती है। भाव बंधन है क्योंकि यह बंधन हृदय को मोहित कर मन को बांधने यानी मुग्ध करने वाला है। यह हृदय में स्थित व उत्पन्न भावों की कड़ियों को जोड़ने वाला है। इसी बंधन के द्वारा
कर्म तत्व से जीव बंधन में फंस जाता है। भाव मनोविकार है, जन्म अस्तित्व परिणाम बंधन क्षय और नाश, ये छह प्रकार के भाव विकार हैं जिनके अधीन जीव तब तक रहता है जब तक उसे असलियत ज्ञान नहीं होता। भाव सुंदरता का प्रतीक है। भाव की सुंदरता शारीरिक सुंदरता के साथ मानसिक नैतिक और विशुद्ध बुद्धि की सुंदरता भी प्रकट करती है, क्योंकि इसका आधार समन्वय और सामंजस्य है। भाव परिवर्तनशील है। इच्छा शक्ति के सदुपयोग द्वारा नकारात्मक भावों को सकारात्मक बनाया जा सकता है, अर्थात गंभीरता के साथ यानी संजीदगी से अपने अंदर उठने वाले भावों को जाना जा सकता है, परखा जा सकता है व बदला जा सकता है। प्रत्येक भाव का अपना सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव होता है। प्रभाव से ही भाव परिवर्तन हो जाता है। भाव से ही भावों की श्रृंखला बढ़ती जाती है। याद रहे, विशुद्ध भाव मूलतः आध्यात्मिक अनुभूति है। भावधारा के अनुरूप ही मानसिक चिंतन तथा शारीरिक मुद्राएं और चेष्टाएं तथा अंग संचालन होता है। भाव दो प्रकार के होते हैं, स्थायी भाव व व्यभिचारी भाव। मानव हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहने वाले भाव जैसे रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, घृणा, विस्मय और वैराग्य स्थायी भाव कहलाते हैं। चित्त में संस्कार रूप से रहने वाले ये भाव हृदय की सात्विक अवस्था है। चित्त के अस्तित्व पर्यंत ये भाव नष्ट नहीं होते। बाह्य दृश्यों व स्मृतियों के रूप में हृदय में कुछ समय के लिए आकर चले जाने वाले भाव जैसे आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, शंका, चिंता, ग्लानि इत्यादि संचारी या व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। ये भाव जल की तरंगों की भांति मुख्य स्थायी भाव में संचरण करते हैं, अर्थात अस्थिर होते हैं। व्यभिचारी भाव हृदय में स्थित स्थायी भाव को उत्तेजित कर उन्हें पुष्टि प्रदान करते हैं व लुप्त हो जाते हैं। उदाहरण स्वरूप जड़ता, मोह और दैन्य जैसे व्यभिचारी भाव शोक रूपी स्थायी भाव को उत्तेजित कर उसे पुष्टि प्रदान करते हैं। फलतः शोक रूपी स्थायी भाव के अस्तित्व में आते ही मनुष्य करुणा के भाव की अभिव्यक्ति करता है। भावों का प्रभाव। संचारी भावों का स्थायी भावों से सहयोग होने के कारण मनुष्य अपनी इच्छाओं, कामनाओं व आकांक्षाओं की
भावाभिव्यक्ति करता है। भावाभिव्यक्ति से पूर्व उसे अनुभव जन्य ज्ञान के आधार पर विवेक शक्ति द्वारा समझता व परखता है। उद्दीप्त भावों को निरंतर समझने व परखने का अंदाज उसका दृष्टिकोण निर्मित करता है। यह दृष्टिकोण सकारात्मक व नकारात्मक दो प्रकार का होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण उसकी विचारधारा तथा बुद्धि के धर्मी व संज्ञानी होने का व नकारात्मक दृष्टिकोण अधर्मी व अज्ञानी होने का परिचायक होता है। दृष्टिकोण सकारात्मक बनाने हेतु हमें खुद जागृत होना है और मानवता के उत्थान के लिए अन्य समाज जनों को भी जागृति में लाना है। कैसे? Thank you.